आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। कहते हैं पहला सगा पड़ोसी, लेकिन वही पड़ोसी ही अगर जीना दुश्वार कर दे तो किसी की जिंदगी किस कदर परेशानियों में घिर जाती है। रानीगंज के आमरासोता इलाके के रहने वाले विपिन सिंह इसकी जीता जागता उदाहरण है। विपिन सिंह ने अपने पड़ोसियों अनिल सिंह और अश्विन सिंह पर उन पर लगातार मानसिक जुल्म करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि अनिल और अश्विन शराब की नशों में उन्हें गालियां देते हैं, यहां तक कि विपिन को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। विपिन का आरोप है कि अनिल और अश्विन उन्हें अपने घर से निकल जाने की धमकी दे रही है। लगातार ऐसी धमकी से आतंकित होकर आखिरकार विपिन ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अनिल और अश्विन के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। इस तरह की घटना बराबर होती है, रोज कन्हैया जी के लिए आते हैं, पी करके गाली देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से आपको भगा देंगे, रहने नहीं दे हम लोग। कौन कौन? ये अनिल कुमार सिंह और कन्हैया जी की आपका अश्विनी कुमार सिंह, फिर उसके बाद का नाम सुनीता। ये लोग आ करके रोज कन्हैया जी की धमकी देते हैं कि जान से तुमको मार देंगे, भगा देंगे, यहाँ से भाग जाओ। ये सब कन्हैया जी की आकर के यहाँ से प्रतिदिन किसी दिन 12 बजे रात को, किसी दिन 2 बजे दिन में आकर के हमको गाली गलौज करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और हम बिल्कुल डरे हुए हैं, हमारा परिवार की कब हमको कन्हैया जी की जान से मार दिया जाएगा। मैं आपसे पूरी विनम्रता पूर्वक ये कहूंगा कि हमारे कन्हैया जी की बात को सुना जाए। अच्छा, थाना? हाँ, थाना में भी हम कंप्लेंट किए हैं, पंजाबी मोड़ पुलिस थाने में। हम अमरा सुता पंजाबी मोड़ में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विपिन बिहारी सिंह है। दुबुड़ी नाका में शुरू हो गई स्वैब जांच, अधिक संक्रमित राज्यों से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है अधिक निगरानी। संवाददाता राहुल तिवारी कुल्टी से। बंगाल की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों को पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता था और संदिग्ध व्यक्तियों को आसनसोल के HLG अस्पताल स्वैब जांच के लिए भेजा जाता था। वहीं गुरुवार से दुबुड़ी सीमा क्षेत्र के समीप ही स्वैब जांच की व्यवस्था की गई है, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सभी राज्यों से लोगों के लिए अलग से अलग काउंटर बनाया गया है, क्योंकि ये सभी राज्य कोरोना वायरस से अधिक संक्रमित है। पूरे प्रकरण की निगरानी स्वयं जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट कर रही है। वहीं आज प्रशासन द्वारा पुलिस और अन्य अधिकारियों का सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया आसनसोल नगर निगम द्वारा। दुबुड़ी नाका में शुरू हो गई। লকডাউনে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা খনি শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে পারছেন না ঝাড়খণ্ডের কর্মস্থলে, তাই খনি শ্রমিকদের বিক্ষোভ কুলটির রামনগর কলিয়ারিতে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বন্ধ থাকায় সমস্যা পড়েছেন বেশ কয়েকজন খনি শ্রমিক। খনি শ্রমিকদের অভিযোগ, লকডাউন পরিস্থিতিতে বর্ডার এলাকা বন্ধ থাকার কারণে চাষ নালার খনিতে কাজে যোগ দিতে যেতে পারছেন না তারা। শ্রমিকদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে, কর্মস্থল ঝাড়খণ্ডের চাষনালায়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক খনি কর্তৃপক্ষের কাছে কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে সুরাহার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এর আগেও, কিন্তু এর আগেও লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল শ্রমিকদের পক্ষে, কিন্তু কোনো সমাধান না হওয়ার জন্য আজ আবার খনি শ্রমিকরা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন IN2S-এর ব্যানারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। শ্রমিকদের দাবি, অবিলম্বে হাজিরা করা হোক এবং বকেয়া বেতন দেওয়া হোক। ड्यूटी करने वाला था, आज लॉकडाउन का कारण में हम लोग चाह रहे हैं जो रामनगर में अटेंडेंस बनाए, क्योंकि हम लोगों को जो देश का अभी लॉकडाउन कब उठेगा नहीं उठेगा, ये जो इतना फैमिली परिवार का, इसका लिए कृपा करे मैनेजमेंट, ISP सेल, होल डिवीजन,
इसको ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखे और हम लोगों को कुछ सक्सेसफुल कुछ करे। बॉर्डर सारा सील कर दिया गया है और यहाँ के जितने भी वर्कर थे जो यहाँ के बासिंदा रामनगर के जो चासनाला में ड्यूटी करते हैं आईएसपी सेल में, वो लोग जा नहीं पा रहे जिस कारण उन लोगों का अटेंडेंस हो नहीं पा रहा और सारा मजदूर 60 आदमी है, समझ लीजिए 60 परिवार आज बेघर की समस्या, बेगारी की समस्या पे है, जिनका ना हाजिरी हो पा रहा ना उनको। इन दिनों भाजपा और उनके विभिन्न संगठनों से जुड़े नेताओं की तरफ से पश्चिम बंगाल में ग्राहकों को कोरोना काल में के 3 महीने के बिजली के बिल की माफ करने के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के रानीगंज मंडल एक की तरफ से रानीगंज बिजली विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया। रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार मंडल की अनुगाई से सौंपी गई इस ज्ञापन के जरिए भाजपा के ने कोरोना काल में ग्राहकों को पिछले 3 महीने के बिजली बिल का माफ करने की मांग की। इस संबंध में राजेश मंडल ने संवाददाताओं को बताया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास प्रदेश के लाभों को देने के लिए पैसा है, मगर कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के चलते बेरोजगार और मुफलिसों के मार झेल रहे हैं और आम इंसान को राहत पहुंचाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से फौरन इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। रोजगार बंद है, काम धंधा कमाई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रिक सप्लाई के तरफ से मनमाना तरीका से बिल दे करके लोगों को ऊपर में बिल जमा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। एसएमएस पर एसएमएस कर करके उनको बिल जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके लिए पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाहर में विधानसभा और मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तहत आज रानीगंज मंडल 1 और आसनसोल साउथ मंडल 4 दोनों के तत्वाधान से रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई में हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना महामारी से लड़छे ठीक है, पश्चिम बंगला हमारे एरकम निम्न स्तर स्टेट जेखने कि सब मानुषर भलो करे रोजगार नहीं और मध्यम क्लासर लोग और निम्न स्तर लोग आज के ना खे मरछे। तो आमी बोलछी आज के सिलम के 3 मासेर जेमन कि करोना संक्रमित कारण 3 मासेर बिल्टा इलेक्ट्रिक बिल्टा कम से कम मानुषर माफ होक। कारण कि आछे कि दीदी का क्लाबर के पैसा दीवार टाका आछे एसी कि जखन आपनार काछे क्लाब के दीवार जन्य पैसा आछे तो साधारण मानुषर जेमन कि 3 मासेर इलेक्ट्रिक बिल्टा माफ कर दिन। यही दाबी निये आज के आमरा रानीगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई ते डेपुटेशन दिते एलाम। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज मंडलेर सभापति।